ब्राजील के कैदियों को अपनी सजा कम करवाने के लिए साइकिल क्यों चलानी पड़ती है और बिजली के तार पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है और पाकिस्तान में इस पेड़ को जंजीरों से क्यों बांधा गया है। इन फैक्ट्स को जानने से पहले दोस्तों माँ के लिए तो सभी लाइक करते हैं, लेकिन अगर आप अपने पापा से भी बहुत अधिक प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में आई लव यू पापा जरूर से लिख देना। नंबर वन, साल 2012 में ब्राजील की सरकार ने एक बहुत ही यूनिक नियम बनाया था जिसमें कैदियों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली साइकिल चलाना पड़ता है। जो कैदी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसकी उतनी ही सजा कम हो जाती है। नंबर दो, बिजली के तार पर बैठे पक्षियों को करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पक्षी केवल एक ही तार पर बैठते हैं और वो अपने दोनों पैरों को एक ही तार पर जमाए रहते हैं। दूसरे तार से उनका संपर्क नहीं होने के कारण सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। नंबर तीन, पाकिस्तान में इस पेड़ को जंजीरों से इसलिए बांधा गया है क्योंकि 1998 में एक अंग्रेज अफसर था जो एक रात इस पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि यह पेड़ उसकी ओर बढ़ रहा है और उसको इस पेड़ से खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने सैनिकों को इस पेड़ को गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया। तभी से आज तक यह पेड़ जंजीरों से बांधा। उस रात को वह अफसर शराब के नशे में था। ब्राजील के टॉप थ्री इंडियन सेफेस्ट कार जो आपको हम लोग जाने से बचाएंगी, तो इन कार में आपको गजब की पावर और लुक्स भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप असली कार लवर हो तो आपकी फेवरेट कार दिखते ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना। नंबर थर्ड, महिंद्रा थार। दोस्तों इस कार का इंडिया में इतना क्रेज है, बच्चे बूढ़े सब इसके दीवाने हैं। दोस्तों इस कार में हमको गजब की पावर और बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से इसे 4 स्टार मिली है। नंबर सेकंड, टाटा नेक्सॉन। दोस्तों इसे इंडिया की सेफेस्ट कार माना जाता है क्योंकि दोस्तों टाटा बहुत ज्यादा बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देता है जिसकी वजह से इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। दोस्तों आप अपनी फेवरेट कार कमेंट कर दो। नंबर फर्स्ट, टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोस्तों इंडिया में इसका बहुत ज्यादा क्रेज है, टोयोटा फॉर्च्यूनर को पॉलिटिशियन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और दोस्तों इसको 5 स्टार रेटिंग मिली। टॉप थ्री इंडियन सेफेस्ट कार जो आप ऐदा नहीं चलते प्यार सोनिए, ऐदा नहीं चलते प्यार अखा में सुरमा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्ले बटन किसी यूट्यूबर के पास है और एक ऐसा देश जहाँ पे चिलगम खाने से आपको 2 साल की जेल हो सकती है। और वीडियो के अंत में जानेंगे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा कौन है, बट उससे पहले अगर आप भी इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको भी 24 घंटे के अंदर मिलेगा एक गुड न्यूज। गुड न्यूज का सवाल है, एक क्लिक ही तो करना है। नंबर वन, दुनिया भर में सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर चिलगम खाने से आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि सिंगापुर को क्लीन रखना चाहते हो तो चिलगम को बैन करना पड़ेगा। नंबर टू, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्ले बटन मिस्टर बीस्ट के पास है। इनके पास कुल 31 प्ले बटन है जिसमें सिल्वर, गोल्ड, यहाँ तक कि डायमंड भी शामिल है। नंबर थ्री, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर बच्चे के लिस्ट में राशिद सैफ का नाम आता है। इनके अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो, इनके हर एक जूते का कीमत 80 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे आप ठंडी में डेली नहाते हो कि नहीं कमेंट में बताना। दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्ले बटन किसी यूट्यूबर के पास है और एक ऐसा देश जहाँ पे चिलगम खाने से आपको 2 साल की जेल हो सकती है। और वीडियो के अंत में जानेंगे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा कौन है, बट उससे पहले अगर आप भी इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको भी 24 घंटे के अंदर मिलेगा एक गुड न्यूज। गुड न्यूज का सवाल है, एक क्लिक ही तो करना है। नंबर वन, दुनिया की 3 सबसे खतरनाक नौकरी जिसके बदले आपको 50 लाख रुपए भी दी जाएंगे फिर भी आप उसे नहीं करोगे। नंबर वन, स्काई स्क्रैपर। इस नौकरी में लोगों को बड़े बड़े बिल्डिंगों के विंडो साफ करना होता है और यहाँ हवा का झोंका तेज होता है जिसके वजह से हमेशा खतरा मंडराता रहता है। नंबर टू, क्राइस्ट रिडीमर स्टैचू। मैं आपको बता दूं, इस नौकरी में वर्कर को बड़े बड़े स्टैचू पे चढ़कर उसका मरम्मत करना होता है जिसमें इन वर्कर को गिरने का हमेशा डर बना रहता है। नंबर थ्री, जानने से पहले अगर आप इंडिया से हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो कमेंट कर दे, लाइक वही करेगा जो इंडिया से है। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलर। इस नौकरी में वर्कर हजारों वोल्ट वाले तारों को चेक कर उसे रिपेयर करते हैं और एक तरफ ऊंचाई और दूसरी तरफ करंट लगने का खतरा। वर्कर हमेशा अपने जान को हथेली पर लेकर इस काम को करता है। वैसे अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस या फिर स्टूडेंट हो तो कमेंट में बताना। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक अगर किसी को घबराहट हो रही हो, चलो पापा के पैसे बचाने के लिए न्यू ईयर का देसी जुगाड़ कर देते हैं। सबसे पहले बोतल्स में सीमेंट भर देते हैं, सीमेंट को बोतल के बराबर रखना है ताकि सीमेंट बोतल से बाहर ना जाए। फिर एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि सीमेंट चिपके ना, फिर बराबर से सीमेंट भर देनी है। इसमें लोहे की ट्रे डालना चाहो तो डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। अभी जो बोतल्स में सीमेंट भरकर रखी थी वो तैयार हो चुकी है, उनके ऊपर गर्म पानी डालकर उनको निकाल देना है। देखो कितनी प्यारी बोतल्स बाहर निकल गई है। इन बोतल्स के शेप को उल्टा करके मिट्टी के अंदर दबा देना है, एकदम पूरा सर्कल बना देना है। थोड़ा सा वेट करो, अभी न्यू ईयर का खतरनाक बम्पर ऑफर बनने वाला है। शेप के बीच में खाली जगह बची है, वहाँ पर सीमेंट लगा देनी है ताकि आराम से पानी बाहर ना निकले। जब तक इस शानदार और खतरनाक चीज में मिट्टी डाली जा रही है, जब तक मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन पैसों की कीमत माँ के प्यार के सामने कुछ भी नहीं होती। तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। लास्ट में तैयार हमारा शानदार और खतरनाक, चलो पापा के पैसे बचाने के लिए।
तो दोस्तों आप लोगों ने माचिस के मदद से स्पाइडरमैन को बनते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम लोग 100,000 माचिस के मदद से वेनम को बनाने वाले हैं। और लास्ट सीन को देखकर आपको भी मजा आ जाएगा, क्योंकि इसको बनाने के बाद हम लोग जलाने भी वाले हैं। और क्या आपने कभी 100,000 माचिस से बना वेनम को जलते हुए देखा है? ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। तो चलो गाइस आज आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं वेनम को। बट आज का आर्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे इस वजह से इस आर्ट को बनाने में 17 घंटे का टाइम लगा है। फाइनली हमारा वेनम बन के तैयार हो चुका है। अभी हम लोग इस पर आग लगाने वाले हैं और आप लोग देख सकते हुए कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो दोस्तों आप आपके पास है जैगुआर? नहीं मैम, हमारे पास तो R15 है। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे नी। दुनिया बनाई मैंने हाथों। Geceler düştün yadıma, yine yandım senin oduna. Çatmadı sevgin dadıma, mene yine tenha. गाइज इंडिया के नंबर वन ऑफ रोडिंग कार यानी महिंद्रा थार को कौन नहीं जानता है यार। लेकिन महिंद्रा का एक और कार है बिलेरो, इसको भी ऑफ रोडिंग का किंग माना जाता है, क्योंकि टूटे फूटे हुए रास्तों पर दमदार की परफॉर्मेंस देती है, इसीलिए इसको भी रोड का किंग माना जाता है। इन सब बातों को गोली मारो यार, चलो इन दोनों के बीच टेक ऑफ बार करा देते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले अभी तक अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आप देख सकते हो एक तरफ है एक थार और दूसरे तरफ है दो बिलेरो। आपको क्या लगता है थार इन दोनों बोलेरो को खींच पाएगी? पहला राउंड में तो दो बोलेरो थार को तो खींच ले, लेकिन दूसरा राउंड में थार इन दोनों बोलेरो को अपना पावर दिखा देता है। गाइज इंडिया के नंबर